चलो आज हम आपको बताने चल रहे हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु का संघटक या इसको संगठन भी बोला जाता है। आपका पहला है पीतल, इसमें तांबा 75%, जस्ता 25% होता है। फिर आपका दूसरा है घंटा धातु यानी बेल मेटल, इसमें तांबा 75%, टीन 25% होता है। फिर आपका है कांसा, मिश्र धातु का नाम है कांसा, इसमें तांबा 75% और टीन 25% होता है। अगला आपका है जर्मन सिल्वर, इसमें तांबा 50%, जस्ता 25%, निकिल 25% होता है। फिर आपका है एल्यूमिनियम कांसा, इसमें तांबा 50%, एल्यूमिनियम 40%, लोहा 10% पाया जाता है। फिर है गन मेटल, इसमें तांबा 88%, जस्ता 2%, टिन 10% पाया जाता है। फिर है स्टेनल स्टील, इसमें लोहा क्रोमियम निकिल का मिश्रण होता है, इसकी प्रसन्नता नहीं दिया गया है। फिर आपका है हिंडालियम धातु, इसमें एल्यूमिनियम 91%, मैग्नीशियम 9% पाया जाता है। अगला आपका है डेल्टा धातु, इसमें तांबा 55%, जस्ता 41%, लोहा 4% पाया जाता है। फिर आपका है डच मेटल, इसमें तांबा 80%, जस्ता 20% होता है। अगला आपका है मोनल धातु, इसमें तांबा 27%, निकिल 70%, लोहा 3% होता है। फिर अगला आपका है टांका, इसको शोल्डर कहते हैं, इसमें टिन 67%, सीसा 33% पाया जाता है। फिर अगला आपका है बुट्स धातु, इसमें बिस्मित 33.5%, सीसा 33%, टिन 19%, कैडमियम 14.5% पाया जाता है। तो ये सभी मिश्र धातुएं थी और इनका संघटन था, यानी कितना परसेंट कौन सी धातु आपस में मिल मिल के मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं।